जुल्फिकर सर, आज नेशनल यूथ डे के अवसर पर आपका स्वागत है। हम युवक कांग्रेस के सभी सहकारी मिलकर बड़ी चाहती कि आपके साथ रूबरू हो, आपके यूथ के संदर्भ में विचार जाने। और मैं सभी मेरे सहकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फर हुसैन साहब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष हैं, आप सभी को पता है, लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के वे अध्यक्ष रह चुके हैं। युवा नेता के बतौर उन्होंने जो कार्य किया है वो अपने आप में बहुत ही लाजवाब है, और उसी के साथ आज हम काफी चीजें नहीं सीखने वाले। मुजफ्फर जी, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है और इस अवसर पर हमेशा देश भर में राष्ट्रीय युवक दिवस मनाया जाता है। आज के युवक को जब हम देखते हैं तो उनकी भारत को लेकर कई सारे सवाल हैं, कई सारी जगहों पे उनके अपने अपने मन में कई सारे प्रश्न हैं। आपकी आज के देश की युवाओं को लेकर क्या राय है? भारत एक पूरी दुनिया में एक युवा देश करके पहचाना जाता है कि 65% पॉपुलेशन आज यहाँ पर युवकों की है, मतलब बिलो 45। तो डेफिनेटली पूरी दुनिया को भारत से एक बहुत बड़ी अपेक्षा है। अपेक्षा विविध मुद्दों पर है। एक जो सब में ज़रूरी चीज़ होती है वो है एक स्किल्ड मैन पावर, इंटेलेक्चुअल मैन पावर। आज हिंदुस्तान इसका एक बहुत बड़ा प्रोवाइडर बना हुआ है। तो जिस तरह पूरी दुनिया को अपेक्षा है, उसी तरह से देशवासियों को भी अपने नौजवानों से बहुत बड़ी अपेक्षा है। सर, युवक हमेशा जोश से भरे होते हैं, लेकिन अक्सर हम युवकों को कहा जाता है कि वो जिम्मेदारी संभालने में कमजोर साबित होते हैं उनकी जोश और उनके स्पीड की वजह से। आप खुद एक युवा नेतृत्व रह चुके हैं, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, युवकों की सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? ऐसा कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पहले से भी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, ये जो आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इससे भी पहले हिंदुस्तान के अंदर शिक्षण जो था ये दुनिया के अंदर माना जाता था कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म के माध्यम से, ड्रविडियंस के माध्यम से शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व था। बिल्कुल, नालंदा, तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़ा महत्व था। और उस जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे कि जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के लिए छोड़ा जाया करता था। अब जैसे प्रगति हुई, अर्बनाइजेशन हुआ है, ये सिस्टम्स जो है गुरुकुल यूनिवर्सिटीज बन गई, यूनिवर्सिटीज की ब्रांचेस स्कूल्स में तब्दील हो गई। शिक्षक वर्ग आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का पहले राष्ट्रपति वो शिक्षक थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो एजुकेशन का ये महत्व होता है कि अगर हेड ऑफ द फैमिली, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज द हेड ऑफ द फैमिली, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, इसीलिए शिक्षक बनाया गया कि एक रोल मॉडल मिले कि हिंदुस्तान की जो प्राचीन इतिहास है उसको फिर से 1947 और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और प्रेसिडेंट जो बनाए गए वो शिक्षक को बनाया गया कि वो हमारा इतिहास था, वो हमारा कल्चर है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में एजुकेशन को लेकर के हिंदुस्तान में बहुत ही मिसकंसेप्शन, थियरी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा हम मुड़ गए प्रैक्टिकल एजुकेशन के बदले में। एजुकेशन सिर्फ किताबों का एजुकेशन वहाँ तक के सीमित हो गया, एग्जामिनेशन में पास होना वहाँ तक सीमित हो गया, ज्ञान प्राप्त करना जो गुरुकुल में होते थे, तक्षशिला में होता था, जो 17वें या 18वें या 19वें शतक की शुरुआत में होता था, ये इसकी हमारी ड्रॉप होते चली गई है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अरे, ड्रॉप के बहुत सारे कारण हैं, सरकारें भी दोषी हैं, पॉलिटिशियन भी दोषी है, पब्लिक भी दोषी है,
और ये मेन कारण है कि जो आज आप हमेशा कहते हैं कि यूथ भटका हुआ है, यूथ भटका हुआ नहीं है, मगर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन उसे दिया जा रहा है, उसमें से वो जो गंभीरता जो है जीवन की वो निकल गई है। हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो एक रिच कल्चर है, मगर ये अनफॉर्चुनेट है कि उसको भी हमने उस कल्चर को रंग दे दिया है, पोलराइज कर दिया है। ज्ञान जो होता है, सरस्वती जो होती है, उसका कोई मजहब नहीं है, वो नॉलेज है, और नॉलेज का कोई मजहब नहीं होता। हमने उस नॉलेज को भी मजहब में, भाषा में, हर चीज में उसका रूपांतर कर दिया है, बांट दिया है, तकसीम कर दिया है। तो लोगों के हिस्से में जो आ रहा है वो ऐसा बटी हुई चीजें आ रही है, इन बिट्स एंड पीसेस आ रही है। इसलिए उसको, उस इंसान को के पास सही मालूमात नहीं है, और इसलिए आज के नौजवान को कहीं भटका देना बहुत आसान है। बिल्कुल, क्योंकि जो एजुकेशन, एक फुल प्रॉपर एजुकेशन विथ हिस, जिस भी परिवार में, धर्म में वो पैदा हुआ है, वो उसके धर्म के एजुकेशन से लेके तो दुनिया के एजुकेशन तक, ये दोनों एजुकेशन अगर मिलेगा इंसान को, तब मुकम्मल पूरा एजुकेशन बोला जाता है। आपने अगर एमए की डिग्री, एमबीए की डिग्री हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, स्टैनफोर्ड से, मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कहीं से भी ले लिया आपने, आप सिर्फ उस सब्जेक्ट के एक स्टूडेंट हो, मास्टर्स भी नहीं हो, आपने मार्क्स अच्छे ले लिया है, मगर आपको उसका भी ज्ञान डेप्थ में नहीं है। मतलब जो 25 साल, 27 साल, 28 साल बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद भी जो चीज पढ़ी है उसका भी ज्ञान उनको पूरी तरह से आज नहीं है, और इसी वजह से ये जो अधूरा ज्ञान होता है ये बहुत डेंजरस होता है, चाहे धर्म का ज्ञान हो, चाहे दुनिया का ज्ञान हो, ये अगर अधूरा है तो आदमी को कहीं पे भी भटकाना बहुत आसान है। आज के इस पूरे माहौल में हम बताओ, यूथ कांग्रेस में जब काम कर रहे हैं, अक्सर आपके किस्से सुनते हैं, मतलब आप महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष का जो कार्यकाल था वो अपने आप में महाराष्ट्र के युवक कांग्रेस के इतिहास में एक मिसाल के बतौर हमें सिखाया जाता है। और सीनियर राजीव सातव जी हो गए, सत्यजीत दादा तांबे हो गए, हर कोई आपके किस्से सुनाता है, एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल के बतौर दिखाता है। आपके हिसाब से आपके युवक कांग्रेस के कार्यकाल का समय और अब का जो युवक कांग्रेस का काम चल रहा है, अब का समय, जिस तरह से कोई भी चीज करने की एक रेसिपी होती है, एक तरीका होता है, एक उसका अपना एक मैथमेटिक्स होती है, अगर वो मैथमेटिक्स, वो तरीका, वो रेसिपी सही हो तो काम सही होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए सब में इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट, आपके पास वक्त कितना है, आपको जंग में जाना है, आपको प्रिपेयर करने के लिए वक्त कितना है, तो टाइम मैनेजमेंट बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। सेकेंड इज योर एजेंडा, आपका एजेंडा क्या है, लड़ाई, ऑपोजिशन से लड़ना या जो सत्ता में, अगर आप ऑपोजिशन में तो उससे लड़ना, तो ये आपका एजेंडा है। अब उस एजेंडा को आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करके आपको उसको डिटेलिंग्स उसकी तैयार करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपके शहर में पानी की समस्या है, तो आप पानी की समस्या को छोड़ करके जो वॉलमैन है वो नल नहीं छोड़ता, उससे आप लड़ने बैठ जाते हो, तो यू गेट डाइवर्टेड, डाइवर्सिफाइड, और आपका जो एजेंडा है, आपका जो टारगेट है, उससे आप हट जाते हो। आप पानी कहाँ से नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, डैम में पानी है या नहीं है, कि बीच में पाइपलाइन फट गई है वो है या नहीं है, वो छोड़ करके आप कॉरपोरेशन के किसी अधिकारी का मुंह काला करने चले जाते हो। ठीक है, एक पॉलिटिकल स्टंट है, आपने कर लिया, बट दैट डजंट सर्व योर पर्पस।
अगर मैं अध्यक्ष हूं और मैं अगर गलत करूंगा तो मेरे पीछे के लोग वही गलत सीखेंगे, दोहराएंगे, वे गलत सीखेंगे। वन हैज टू बी अ रोल मॉडल। आप घर में रहते हैं, पिताजी आपके हमारे एक रोल मॉडल है, मदर हमारी एक रोल मॉडल है, जिससे ऑटोमेटिकली वो आपसे बात करेगी, यहाँ से शक्कर निकाल करके दो चम्मच डाल देगी, आपसे बात कर रही होगी, वहाँ से हल्दी निकालेगी, खाने में हल्दी मिक्स करेगी, आपसे बात कर रही होगी, पीछे देखेगी आदमी से बात कर रही है, यहाँ से ये गॉड गिफ्टेड होता है वुमेन्स के अंदर, सिक्स सेंस जिसे कहते हैं। उसी तरह आदमी के अंदर एक रोल मॉडल बनना, लीडरशिप देना, क्योंकि घर के अंदर भी अपने परिवार को चला रहा था, वो लीडरशिप दे रहा है। सोसाइटी का आप चेयरमैन बनते हो तो आप लीडरशिप दे रहे हो। स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर अगर आप स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में जाते हो, क्लासरूम का क्लास टीचर, उस जमाने में हम जब स्कूल पढ़ते तो वो मास्टर जी, हेडमास्टर जी, नहीं नहीं टीचर, मॉनिटर, मॉनिटर क्लासरूम, तो क्लासरूम में किसी को भी मॉनिटर नहीं बनाती थी वो, या तो कोई अच्छा पढ़पिष्ट बच्चा होता है, बहुत पढ़ता है उसको बनाती है, बहुत जो शरीफ होता है उसको बनाती है, तो वहाँ भी एक लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी होती है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके पास एजेंडा होना चाहिए, लड़ना किससे वो होना चाहिए, किस तरह लड़ना है, किन मुद्दों पे लड़ना है, ये होना चाहिए। जब ऑटोमेटिकली आप ये सारी चीज़ों को, इसके पैरामीटर्स आप फिक्स कर दोगे तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एन एज एन ऑर्गेनाइजेशन। आप आर्मी, नेवी, हमारी जो फोर्सेस हैं उनको आप देख लो, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, एवरीथिंग इज डिसिप्लिन, चाहे लड़ाई है या नहीं है। सुबह 4 बजे आर्मी उठेगी, उसको जो भी एक्सरसाइज करना है, रपेट करना है, जो कुछ भी करना है वो करेंगी, प्रैक्टिस करेगी। पुलिस का अपना एक सिस्टम है, हर 2 महीने में आदमी जाएगा शूटिंग रेंज पे, शूट करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो एक SOP सेट है। एक सवाल को इसमें और सेटना चाहता हूँ बीच में। हम अक्सर सुनते आए हैं काफी लोगों से, मतलब आपसे, आपके साथ काम करने का लोग हैं, आपने युवक कांग्रेस के उस पूरे कार्यकाल में चप्पा चप्पा, गली गली आप दौरे थे, हर जगह पे जाके मिलने की कोशिश थी, काफी बदलाव उसी साल 1999 की बात में कदम आए थे। युवकों को इस तरह से निचले स्तर तक, ग्रास रूट तक जाना कितना जरूरी है आज के समय? आपको जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको एनालाइज करके, आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो आपको आर्मी तैयार करनी है, तो आर्मी घर बैठ के तो तैयार नहीं हो सकती है। आर्मी अगर तैयार करनी है तो आपको गली कूची में जाना पड़ेगा। जब आप जाएंगे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ खड़े रहेंगे, बात करेंगे, उससे मिलोगे, उसके घर जाओगे, चाय पियोगे, खाना खाओगे, उससे फ़ोन पे बात करोगे, तब वो मोटिवेट होता है, स्टेट प्रेसिडेंट हमसे बात कर रहा है, हमारा अध्यक्ष हमसे बात कर रहा है, हमारा नेता हमसे बात कर रहा है। दैट्स इट, इट्स अ मोटिवेशनल प्रोग्राम। यू हैव टू इंस्पायर पीपल, यू हैव टू मोटिवेट गाइस टू जॉइन पॉलिटिक्स, जॉइन सोशल वर्क एंड गेट रेडी टू फाइट अ वॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम में। आपने मोटिवेशन से कहा, हम काफ़ी युवा राजनीति में आना पसंद करते हैं, लेकिन युवाओं में सब्र की कमी दिखाई देती है, उन्हें बहुत जल्दी चीजें चाहिए होती है, या फिर आगे कुछ मुकाम एजेंडा रख के आते हैं। आपका 35 साल का अनुभव है, काफी सब्र के साथ आपने कई चीजों का, मतलब हम जानते हैं, दर्शकों को बता दूं कि मुजफ्फर साहब ने एक ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में, युवक के वार्ड अध्यक्ष के रूप में शुरुआत करके, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर जिला, फिर स्टेट में, फिर यूथ से लेकर फिर वापस से मेन कांग्रेस, DCC, मतलब जहां पे हम महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस, 30 साल में थे, 30-35 साल के बाद आज उन्हें पिछले साल कार्याध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी संभालने मिली। आपका अपना स्ट्रगल रहा है, ये युवाओं में जो सब्र की कमी है, इस पे रेमेडी क्या है? देयर इज नो रेमेडी, बिकॉज़ देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ एंड देयर इज नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। जो लोग शॉर्टकट में बिलीव करते हैं या शॉर्टकट लेना चाहते हैं, दे ऑलवेज एंड अप इन लॉन्ग कट्स। और कोई किसी को एक कप चाय मुफ्त नहीं पिलाता। जीवन में ये याद रखना चाहिए कि देयर इज नो शॉर्टकट्स इन लाइफ एंड देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। तो योर हार्ड वर्क, योर स्ट्रगल इज अ मस्ट। सर, आखिरी 2 सवालों तक आते। पिछले साल मतलब भारत में आजकल आंदोलन की परिस्थिति लगातार बनते जा रही है। पिछले साल JNU के युवाओं ने अपना आंदोलन छेड़ा था, तब उन्हें टुकड़े-टुकड़े गैंग कह के बतलाया गया।
आज इस बार किसान आंदोलन के लिए बैठे हैं काफी युवा किसान, उनसे जुड़े हैं तो उनको खलिस्तानी या आतंकवादी कहकर बतलाया जा रहा है। सत्ताधारी विचारधारा से विपरीत सेक्युलर सोच रखने वाले हम जैसे काफी युवाओं को अक्सर ऐसी आलोचनाओं का सामना बेवजह करना पड़ता है। हम इससे कैसे उभर कर आए या फिर इन ताकतों से कैसे लड़े? बहुत जूनी कहावत है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और सच तो सच रहता है, झूठ तो झूठ रहता है, और सच को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ये इतिहास इस बात का गवाह है। इसलिए कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं होते हुए अपने आप को फोकस रखिए, और आपको पता है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, हम जिनका साथ दे रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम एथिकल काम कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजी का काम कर रहे हैं, अगर ये आपको पता है तो आपकी जीत निश्चित है, जीत आपकी निश्चित है। अब ये लोकतंत्र है, नंबर गेम है, जिसके पास मेजोरिटी है वो चाहिए वैसा गाड़ी को मोड़ रहा है, मगर आखिर में कहीं ना कहीं तो सच पे आके ही काम रुकेगा, और दुनिया इस बात को, सच को पहचानती है और उसका रिजल्ट आता है। अच्छा खाना अगर घर में पकना है, अगर आपको घर में दावत देनी होती है लोगों को, तो आपको 2-3 दिन पहले से प्रिपेयर करते हैं, और वो खाना जो घर में पकता है, जो अच्छा पकता है, जिसके लिए प्रिपेरेशन के लिए वक्त लगता है, वो घर में 2-3 दिन भी इंसान खाता है। सही, मगर आप अगर होटल से फास्ट फूड से खाना लाते हैं, पाव भाजी लाते हैं, कोई भी खाना लाते हैं, वो एक ही टाइम आप खाते हैं, दूसरे टाइम आप खा नहीं सकते उसको। तो देयर इज नो शॉर्टकट्स, देयर इज ऑलवेज अ लॉन्ग कट व्हिच वन हैज टू फॉलो इन लाइफ। गीता के सार है, कर्म किए जा, फल की अपेक्षा मत कर। तो ये क्योंकि जो धार्मिक हमारे आपके जो हिंदुस्तान का कल्चर है, उसको धर्म का नाम आपने दुनिया ने दिया है, ठीक है, ये धार्मिक किताबें जब बच्चे पढ़ते हैं और अपने धर्म को समझते हैं, तब ये उनके अंदर जो इमोरलिटी की जो बातें आती है या कोई उनको बहकाने की बातें आती है, तो ये अपने आप जो है इसकी मात्रा परसेंटेज अपने आप कम हो जाता है। सर आखिरी सवाल पे आता हूं, आज राष्ट्रीय युवक दिवस है, लेकिन एक और युवा बेरोजगारी से झगड़ रहा है, एक और महंगाई से, यानी पेट्रोल अगर भरना है तो 90 रुपए जेब से 1 लीटर के लिए खाली करने हैं, कंपटीशन बढ़ते जा रही है, अगर कोई खुद का व्यवसाय भी कर रहा है तो उसमें काफी दिक्कतें हैं, ऐसे दिवस पर राष्ट्रीय युवक दिवस के मद्देनजर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब क्या कहे उनसे? मैं महात्मा गांधी जी का बहुत आप कह सकते हैं कि उनके विचारों का मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ, फॉलोअर हूँ। मेरे पास कई किताबें उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी लेके, उनकी आत्मकथा से लेके, जो सब कुछ मैंने पढ़ी है, और मैंने अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास किया है, कोशिश, उनकी सारी बातों का अपने जीवन में उतारना शायद उसके लिए 100 साल भी कम पड़े। क्या चीज़ उन्होंने कही थी जब उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी की जो अपनी किताब लिखी है, आज़ादी के पहले की किताब लिखी हुई है, उन्होंने सिंपल कहा था कि हिंदुस्तान एक खेती प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इसलिए हमारे यहाँ आज जो दुनिया वाटर वॉर की बात कर रही है, अगर आपने पढ़ा होगा कि आने वाले समय में वाटर वॉर होने वाला है दुनिया में, ये महात्मा गांधी जी ने 100 साल पहले अपनी किताब में लिखा है कि पानी जीवन देने वाला खेती के लिए और इंसान के लिए, पक्षी के लिए, जानवर के लिए, जीव जंतु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, और इसका वापर जो है, इस्तेमाल जो है, बहुत सही तरकीब से होना चाहिए। आप अगर सेवाग्राम जाएंगे या साबरमती आश्रम जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि गांधी जी ने अपने कुटीर में जो टॉयलेट्स वहाँ पे सेवाग्राम आश्रम में और साबरमती में बनाई, तो वहाँ पे वो जो आजकल हमारा जो बटन प्रेस वाला जो फ्लश वाल्व आता है, उसके वो विरोधी थे। विदेश में वो पढ़े थे, विदेश में रहे थे, ऐसा नहीं था कि उनको पता थी। मगर उन्होंने कहा कि ये 20 लीटर पानी यूरिनेशन के लिए या टॉयलेट के लिए हिंदुस्तान वेस्ट नहीं कर सकता, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पानी का सोर्स नहीं है, इसको हमको बचाना होगा। तो जस्ट इमेजिन कि एक तरफ आज से 100 साल पहले उस व्यक्ति ने, उस महात्मा ने इस बात को कही, मैं एक मिसाल आपको दी है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमको
टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी चाहिए, ना कि मटेरियल। हमने पिछले 25 साल में देख लिया क्या हुआ है, चाइना इतना बड़ा कैसे बना है। पूरी दुनिया में आज चाइना की पिन से लेके चप्पल तक चाइना की मिलती है। तो गांधी जी ने कहा था हमको टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी चाहिए। वही पंडित नेहरू जी ने सारा काम किया कि उन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से लेके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तक, मल्टीनेशनल कंपनीज तक एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने डैम्स, पावर प्लांट्स, सारे टेम्पल्स ऑफ इंडिया ये उन्होंने क्रिएट किया। ये महात्मा गांधी जी से उनको इंस्पिरेशन था और उसकी वजह से लाखों करोड़ों रोजगार निर्मित हुए। आज हमने देखा कि भाई कोरोना की परिस्थिति में इंडस्ट्रीज बंद हो गई, रूरल इकोनॉमी को हमको जो स्ट्रेंथन करना चाहिए था हम वहाँ पे कहीं ना कहीं कम पड़ गए। माइग्रेशन परसेंटेज पिछले 50 सालों में रूरल इंडिया वॉज 70%, नाउ अर्बन इंडिया इज 50%। इन लास्ट 50 ईयर्स वॉट 25-30% ऑफ माइग्रेशन हैज टेकन प्लेस, दैट हैज टेकन प्लेस फ्रॉम रूरल इंडिया। तो जब माइग्रेशन होता है तो वो अपने साथ में बहुत सारी समस्याएं लाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, एम्प्लॉयमेंट, क्राइम, सोशल इश्यूज, प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, लॉ एंड जुडिशरी का काम बढ़ जाता है, पुलिस का काम बढ़ जाता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम बढ़ जाता है, गवर्नमेंट को शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पैसे की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जितना पैसा हम शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में आज की तारीख में हम जो खर्चा कर रहे हैं उसका 25% भी अगर हमने अर्बन स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में खर्च किया होता तो ये माइग्रेशन हम रोक पाते थे। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो फ्रस्ट्रेशन है यूथ के अंदर, ये आपको आज हमको देखने नहीं मिलता था। आप अगर अमेरिका को देखो जिसको सिर्फ 300 साल हुए हैं मुल्क को बन के, देश को बन के, तो अमेरिका के हर स्टेट के अंदर उन्होंने इस तरह से नियोजन किया कि उनकी आरबीआई किधर है तो डेनवर में है, उनकी ऑयल इंडस्ट्री कहाँ है तो टेक्सास में है, उनके कैपिटल कहाँ है तो वॉशिंगटन DC में है, उनका कमर्शियल कैपिटल सिटी कौन सी है तो न्यूयॉर्क में है, उनकी IT सिटी कहाँ है तो सारी कैलिफोर्निया में है, उनकी टूरिस्ट इंडस्ट्री कहाँ है तो सारी फ्लोरिडा में है। तो पूरे देश में उन्होंने इंडस्ट्रीज वाइज ऐसा इस तरह से स्कैटर्ड करके 200-300 सालों में उन्होंने बनाया। हिंदुस्तान भी अमेरिका से कंपेयर करो तो 30% ऑफ लैंड एरिया इंडिया की भी है, मगर हम इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गए और मुझे लगता है कि अभी काफ़ी पीछे रह गए। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है यूथ का, ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि घर परिवार से माँ की जो गोद है उस सब में बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसलिए गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन, एंड एजुकेशन ओनली खाली बुक नॉलेज, बुकिश नॉलेज नहीं तो कल्चरल नॉलेज, ये हिंदुस्तान के हर परिवार, मैं कह रहा हूँ हर परिवार, हर समाज, हर भाषा, हर प्रांत के लोगों को समझना होगा कि हमारी घर की यूनिवर्सिटी कमजोर हो गई है, हमको उसको स्ट्रेंथन करना वो तो हमारे हाथ में है। आज अर्बन एरिया में माता पिता सवेरे निकलते हैं 8 बजे पेट की आग बुझाने के लिए, रात में 8 बजे आते हैं, 12 घंटे वो बाहर है, उसके बाद घर आने के बाद महिला जो है वो किचन के काम में रात में 11 बजे तक काम करती है, हस्बैंड जो है वो बेचारा दिन भर 12 घंटे परेशान होकर आके वो सोचता है मैं 2 घंटा TV देखूँ, अपने आप को रिलैक्स करूँ, एंटरटेनमेंट करूँ। तो जब वो TV चालू करता है तो आजकल के न्यूज़ चैनल ऐसे हैं कि उसके दिमाग को वो भ्रष्ट करते हैं, मूवीज चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल इस तरह से हैं कि वहाँ पे सिर्फ सेक्स बेचा जाता है। तो ये कल्चर को पूरा नष्ट, निस्त नाबूद हमारे देश में किया जा रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। हम भी इसमें डेवलपिंग नेशन है तो हमारे यहाँ ज्यादा होता है, हमारे यहाँ जो कमजोर होता है उसकी जमीन पे जाके दूसरे लोग कब्जा जल्दी करते हैं। तो ये हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर परिवार के अंदर का कल्चरल सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों,
मुजफ्फर जी से बात करके हमें ये चीज तो पता चली कि हमें अपने समय को बलवान करना होगा, अगर समय बलवान होगा तो आने वाला समय हम सभी में और बल पैदा करेगा। मुजफ्फर जी, हम युवा कांग्रेस के सभी सहकारियों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आज के इस युवक दिवस की और स्वामी विवेकानंद जी के जयंती दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।